अगले प्रश्न पे आ जाए। देखो यहाँ से अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ से दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तुनगुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, दोनों की आयु ज्ञात करें। देखो यहाँ से आयु वाला, जैसे कि हमने कहा दो चर वाले रेखीय समीकरण में कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उसमें कम से कम जो है ना दो बातें अननोन होगी। यहाँ पर भी दो बातें अननोन है। क्या क्या अननोन है कि एक नूरी की आयु और दूसरा सोनू की आयु, ये हमको नहीं पता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों की आयु निकालो, तो जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। मानो यहाँ पर सॉल्यूशन में माना कि नूरी की आयु इजकल टू एक्स वर्ष और सोनू की आयु इजकल टू वाई वर्ष। ये आ गया जी, ये वर्तमान आयु, ये जो हमने लिखा है ना ये कौन सा है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान। मतलब अभी जो आयु है नूरी की वो एक्स वर्ष है और अभी जो आयु है सोनू की वो है वाई वर्ष। एक बात बता दो हमको, कोई अगर 20 साल का लड़का है तो 5 साल पहले इसकी क्या एज रहा होगा, 20-5, और 5 साल बाद क्या एज रहेगा, 20+5। अगर कोई एक्स साल का कोई लड़का है तो 5 साल पहले x-5, 5 साल बाद x+5 एज रहेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, इतना मुश्किल नहीं है समझना, समझ गया तुमने, आ जाओ। अब देखो पहले बार स्थिति एक के लिए क्या कहा जा रहा है, आओ देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी थी, मतलब दोनों की आयु का तुलना हो रहा है और वो कब का हो रहा है, 5 साल पहले। तो लिखेंगे ना जी 5 साल पहले, 5 साल पहले तो नूरी की आयु हमने माना है एक्स, तो नूरी की आयु होगा, नूरी की आयु इजकल टू x-5। वर्तमान में x है तो 5 साल पहले x-5 हो जाएगा। सोनू का आयु क्या हो जाएगा जरा बताओ, सोनू की आयु ये हो जाएगा y-5। ये हो गया हमारा, क्या कह रहा है आओ बताओ। यहाँ से नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, नूरी की आयु, अब देखो एक बात देखो, यहाँ से ये नूरी है और ये सोनू है, नूरी की आयु 5 साल बाद जो है वो x-5 है और सोनू की आयु जो है यहाँ से y-5। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नूरी बड़ी है, कहने का मतलब क्या है समझो, ये जो नूरी की आयु है ना वो सोनू की आयु की तीन गुनी है, मतलब इसका ये तीन गुना है। अगर दोनों को बराबर करना है, अब इस सिंपल से उदाहरण से समझो, ये 27 है और ये 9 है, ये सोनू है ये नूरी है, 27 साल की नूरी है, ये उदाहरण बता रहे तुमको समझ में आए। तो दोनों की तुलना करने के लिए हमको किधर 3 से इधर गुना करना पड़ेगा सोनू की आयु में, तब जाके दोनों का आयु क्या होगा, बराबर होगा। तो ये नूरी की आयु x-5, सोनू की आयु y-5, सोनू का 3 गुना नीरू है, मतलब यहाँ से 3 हमको लगाना पड़ेगा, तब जाके दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। इसको सॉल्व करो, x-5 = 3y - 15। समझो बात को, इसको इधर उठा कर ले आते हैं तो ये होगा एक्स प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 3y - 15, इसको इधर उठा कर ले जाएंगे माइनस में, इधर आके प्लस में होगा +5। ये हो जाएगा x-3y = -10। समीकरण नंबर बन गया तुम्हारा 1। बातें समझ में आई, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, 5 साल पहले का चर्चा था, अब जो चर्चा है ना 10 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अब देखो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो नूरी की आयु कितनी होगी, अभी है एक्स तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 साल आगे चला जाएगा, x+10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु इजकल टू y+10, दोनों की उम्र में 10 साल क्या होगा, बढ़ेगा। अब फिर से देखे प्रश्नानुसार, ये स्थिति 2 है, केस 2, नूरी की आयु बराबर अगर हो जाए यहाँ पर किसकी आयु की, सोनू की आयु की, कब बराबर होगा, तो यहाँ पर बोला कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर 10 वर्ष बाद जो है ना जितना
सोनू का होगा उसका दुगुना नूरी, ये नूरी है और ये सोनू है, सोनू का दुगुना नूरी होगा, मतलब सोनू में हमको क्या करना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा फिर जाके ये समझो ना। मान लो 10 वर्ष बाद ये है 30 साल की, ठीक है, ये कितने साल की और ये 15 साल की, ये 15 साल का सोनू है, दोनों को बराबर करना है तो किसके इधर दो लगाना है, इधर इसके इधर लगाएंगे ना दो, तो यही बात तो हम बोल रहे हैं तुमको। अब आ जाओ इसको करो सॉल्व, एक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 2y को उठा के इधर ले आए तो ये होगा एक्स माइनस का 2y बराबर 10 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 20 माइनस का 10, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण एक और दो को हल करना है और क्या करना है, तो समीकरण एक और दो से, एक और दो से देखो यहाँ से समीकरण एक क्या निकाला है, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण दो क्या निकाला है, एक्स माइनस 2y बराबर 10, एक्स माइनस 2y बराबर 10। एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो यहाँ पर, ये जो है ना एक्स एक्स दोनों का गुणांक बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, अब तो पता होगा तुमको घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटाने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, मतलब अब ये माइनस में एक्स है, ये प्लस में वाई 2y है और माइनस में 10 है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का वाई बच जाएगा और 10 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल खत्म, वाई बराबर 20 साल, वाई किसका एज है सोनू, तो सोनू का आयु निकल गया यहाँ पर 20 साल। आ जाओ अभी बात करते हैं, हाँ क्या करना है, चलो वाई का मान समीकरण एक या दो में से किसी में रख दो, मान समीकरण एक में ही रख देते हैं, तो समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस का 10, एक्स माइनस 3 गुने वाई का मान 20 बराबर माइनस 10, एक्स बराबर 20 दिया है माइनस 60 और बराबर माइनस 10, एक्स बराबर इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस 10 माइनस में 60 है उधर जाके हो जाएगा प्लस में 60, एक्स बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घटा देंगे तो ये हो गया 50। तो यहाँ पर नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु निकल रहा है 20 वर्ष। समझो बात को, अब समझो बात को क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अभी वर्तमान में, अब चेक कर लेते हैं प्रश्न क्या हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो अभी सोनू है नूरी है, वर्तमान में जो इसकी आयु निकल रही है वो निकल रहा है इसका 50 और इसका निकल रहा है भाई कितना 20, ठीक है। अगर हम बात करें 5 साल पहले की तो ये होगी 5 साल पहले 45 की और ये होगी, ये होगा सोनू 15 का। क्या कहा जा रहा है देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले तो ये निकल गया तुम्हारा 15 या 45, तो सोनू का 3 गुना है ना नूरी, सोनू का 3 गुना है नूरी, तो यही तो बोला जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी तुम्हारा सॉल्व हो जाता है और हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया, जो हमने आंसर निकाला उत्तर निकाला वो सही है या नहीं।